जय हिंद साथियों। मुरबिया पुल दुर्घटना के बाद से जो है तमाम छात्र जो है इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात के सीएम को पद से हटाने के लिए जो है विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में जो है इसका विरोध काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। अभी छात्र जो है पहुँचने वाले ही थे धरना स्थल पर, और वहीं से जो है उनके पहले जो है पुलिस ने इन्हों अपने कब्जे में कर लिया, और कब्जे में करने के बाद से जो है इनको बसों में देख पा रहे हैं किस तरह से इनको जो है धक्के मार करके अंदर कर रही हैं, और इन्हें जो है धरना प्रदर्शन भी करने के लिए दो पल के लिए, दो मिनट के लिए भी इनको मौका नहीं दिया। कम से कम नारेबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन इनको जो है एक भी मिनट का मौका नहीं मिला। अभी जैसे ही पहुँच रहे हैं तैसे इनको जो है पुलिस प्रशासन ने, इन्हें दिल्ली की जो पुलिस प्रशासन ने, इनको उठा करके बसों में ढकेलना शुरू कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कई महिलाओं को भी इसमें जो है घसीटना शुरू कर दिया है। इन तमाम वीडियो को देखिए किस तरह से जो है छात्र जो है विरोध कर रहे हैं, और गुजरात के सीएम को पद से बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। देखिए किस तरह से जो घटनाएं घटित हुई हैं गुजरात में मोरबिया में, और उस चीज़ को जो है इन लोगों ने अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जाहिर करने की कोशिश की है। देखिए किस तरह से जो है इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस। और गुजरात भवन के सामने जो है अपना धरना प्रदर्शन दिल्ली में जो है करने वाले थे, लेकिन तो उसके पहले जो है प्रशासन ने इन्हें रोक दिया है। वीडियो देखने के बाद क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।